जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने मौर्यन एम्पायर के 70 क्वेश्चंस, मोर देन हाफ अराउंड क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं। सेकंड पार्ट मतलब कि जितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं अराउंड मौर्यन एम्पायर के, वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने उसका रिविजन किया होगा अच्छे से, बिकॉज थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग हो सकता है। कहीं कन्फ्यूजिंग नहीं, एज इन कि डेटा याद रखना, इतना मगअप करना इज़ नॉट ईजी एट वंस। तो उसको रिविजन करते रहिएगा। आगे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 70 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध वॉज भाब्रू पिलर। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको कम्प्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कालसी इज़ फेमस फॉर। कालसी इज़ फेमस फॉर बुद्धिस्ट चैत्य, नो, पर्शियन कॉइन्स, टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड। इट इज़ फेमस फॉर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। ठीक है, कालसी कहाँ पर है? कालसी देहरादून के पास है, इट्स नियर देहरादून और इन देहरादून ओनली उत्तराखंड। ठीक है, एंड ये अशोकन रॉक एडिक्ट के लिए फेमस है। वेयर इन उत्तराखंड वॉज अ कॉपी ऑफ एम्परर अशोकाज रॉक एडिक्ट डिस्कवर्ड। अगेन सेम क्वेश्चन, कालसी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रान्यो अशोक। रान्यो अशोक मतलब कि किंग अशोक, मैंशनड अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से रिलीफ स्ट्रक्चर स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन में मैंशन है अशोक का नाम है रान्यो अशोक, जो कि सिग्निफाई करता है दैट ही इज़ ए किंग अशोक, और उनका साथ में स्टोन का पोर्ट्रेट भी है। तो ये है कंगनहल्ली में। ठीक, कंगनहल्ली बुद्धा स्तूपा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका में है ये। वहाँ पे एक स्टोन पोर्ट्रेट भी है अशोका का विद हिज क्वीन बिलो विच रान्यो अशोक हैड बीन रिटन। ठीक है, तो कंगनहल्ली में उनका रान्यो अशोक नाम लिखा हुआ है और उनका एक स्टोन पोर्ट्रेट है अलॉन्ग विद द पोर्ट्रेट ऑफ द क्वीन। इट इज़ इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट इज विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्स द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंगा वॉर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, कौन से रॉक एडिक्ट में कलिंग वॉर के लिए इनके बारे में मेंशन है, जहाँ से फिर अशोक ने उसके बाद बुद्धिज़्म अपना लिया था। तो ये है रॉक एडिक्ट 13। ठीक है, तो कलिंगा वॉर एंड द विक्ट्री ओवर कलिंगा वॉज ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ अशोकाज रेन। द 13th रॉक एडिक्ट प्रोवाइड्स क्लियर एविडेंस ऑफ कलिंग वॉर। इट डिस्क्राइब्स दैट किंग पियदसी कॉन्कर्ड कलिंगा 8 ईयर्स आफ्टर हिज कोरोनेशन। तो ये भी याद रखना है कि कौन से साल में उन्होंने अपना अपने राज्याभिषेक के कौन से साल में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो 8वें साल में, 8th ईयर, दैट इज इन 261 BC। एंड इट डिस्क्राइब्ड डीप रिमोर्स फॉर हैविंग कॉन्कर्ड कलिंगा ऑन दिस एडिक्ट। तो उनको जो भी दुख हुए थे उसके बाद जो देख कर वहाँ पर, वो भी सब इस एडिक्ट पे लिखे हुए हैं। क्योंकि एडिक्ट तो कब लिखा गया? एडिक्ट लिखा गया जब इन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया था उसके बाद। ठीक है, तो वो सारा रिमोर्स जो है वो सब उसमें मेंशन है। द अकाउंट्स ऑफ कलिंगा वॉर इज नोन टू अस बाय द विच रॉक एडिक्ट? रॉक एडिक्ट 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कम्प्लीटली? ठीक है, अभी पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो कि कम्प्लीटली डिवोटेड है टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। तो रिलीजियस टॉलरेंस के लिए है रॉक एडिक्ट 12। इन द 12th मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका देर इज अ डिक्लेरेशन ऑफ रिलीजियस लॉन्गैनिमिटी एंड ग्रोथ ऑफ एसेंस ऑफ ऑल द कम्युनिटीज टुगेदर। तो ये पूरा किस में है? रॉक एडिक्ट 12th में है। 12th में इन्होंने क्या बताया है कि एक रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, और 13th में क्या है? अबाउट द कलिंग वॉर। ठीक है, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन? हुसो एवर प्रेजेज हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट विद अ व्यू ऑफ ग्लोरिफाइंग हिज ओन सेक्ट ही रादर इंजरीज हिज ओन सेक्ट वेरी सीवियरली। ठीक है, तो किस रूलर ने ये एडवाइस दिया था? तो ये अशोका ने दिया था कि अपना, अगर आप अपना अपना धर्म को ज़्यादा या अपने सेक्ट को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करने पे लगे हुए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो ये किसने लिखवाया था? ये अशोका ने लिखवाया था।
ही वॉज एन इंडियन एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी हु रूल्ड ऑलमोस्ट ऑल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट 273 BC टू 232 BC। मैंशन स्टेटमेंट इज फाउंड इन द 12th मेजर रॉक एडिक्ट, जो रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात कर रहा है, बाई विच अशोका हैज प्रीच्ड आउट द रिलीजियस हार्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकाज धम्मा इज, अशोक के धम्म का सेंट्रल पॉइंट क्या था? तो ये बोल रहे हैं कि लॉयल्टी टू द किंग, पीस एंड नॉन वायलेंस, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, रिलीजियस टॉलरेशन, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ई होगा, बिकॉज अशोका धम्मा वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन पॉलिसी ऑफ पीस, नॉन वायलेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब कि मोर देन वन। ठीक है, और ये कहाँ पर दिया हुआ है? 12th मेजर रॉक एडिक्ट में दिया हुआ है, रिलीजियस लॉन्गैनिमिटी एंड ग्रोथ ऑफ एसेंस ऑफ ऑल कम्युनिटीज। नेक्स्ट इज अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट विच टेल अस अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड रॉक एडिक्ट्स। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि संगम किंगडम के बारे में कौन से रॉक एडिक्ट में मेंशन है? तो एक तो 13th रॉक एडिक्ट जिसमें कलिंग वॉर के बारे में भी है, एंड द सेकेंड रॉक एडिक्ट। तो रॉक एडिक्ट सेकेंड एंड 13 ऑफ अशोका, इसमें संगम किंगडम, चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एंड ताम्रपाणी के बारे में मेंशन है। ठीक है, सेकेंड एंड 13th। विच अमंग द फॉलोइंग साउथ किंगडम्स इज नॉट मेंशन्ड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन? ठीक है, चोल हैं, पांडे हैं, सत्यपुत्र हैं, केरलपुत्र हैं और ताम्रपाणी, पांच किंगडम्स मेंशन्ड हैं। सातवाहनास आर नॉट मेंशन्ड इन द मौर्यन अशोकन इंस्क्रिप्शन। विच विद रेफरेंस टू सातवाहना रूलर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? तो ये बोल रहे हैं कि सातवाहना किंग्स जो थे, देवर द नर्चर्स ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। दूसरा है, पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट गॉट मोर एनकरेजमेंट ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड। तो इसका आंसर होगा बी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सातवाहना रूलर्स पैट्रोनाइज प्राकृत मोर देन संस्कृत। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए भी डाला गया है, बिकॉज सातवाहनाज ने संस्कृत को भी पैट्रोनाइज किया था। तो ये बोल रहे हैं कि लेकिन दे पैट्रोनाइज प्राकृत मोर देन संस्कृत। पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शन ऑल्सो थ्रू सम लाइट ऑन द रेयर यूज ऑफ संस्कृत लिटरेचर। इसके अलावा पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ आर्ट गॉट मोर एनकरेजमेंट ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड। एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम द सातवाहना एरा आर एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। ठीक है, तो जो इस टाइम पे आर्किटेक्चर स्कल्पचर मिले हैं वो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड हैं बुद्धिज्म से। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका बैन्स एनिमल सेक्रीफाइस? तो इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस जो होता था पहले कुछ गैदरिंग्स पे या बलि जो दी जाती थी उसको रोकने की बात कौन से एडिक्ट में बोली है? दैट प्रोबेबली इंक्लूडेड अ बैन ऑन एनिमल किलिंग एज वेल। ओके, तो नॉर्मली जो एनिमल किलिंग कर रहे हैं या सेक्रीफाइसेस हैं वो सब बैन करने की बात इन्होंने कौन से एडिक्ट में बोली है? ये बोली गई है 5th रॉक एडिक्ट में। फर्स्ट रॉक एडिक्ट में उन्होंने बोला है, हियर नो लिविंग बींग्स आर टू बी स्लॉटर्ड और ऑफर्ड इन सेक्रीफाइस। फॉर्मली इन द किचन ऑफ किंग पियदसी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स वर किल्ड एवरी डे। तो उससे पहले क्या होता था कि अशोक के किचन में रोज़ाना इन एन नंबर ऑफ जो एनिमल्स थे दे वर किल्ड फॉर मीट, बट नाउ विद द राइटिंग ऑफ हिज धम्मा एडिक्ट ओनली 3 क्रीचर्स, 2 पीकॉक्स एंड अ डियर आर किल्ड, आउट ऑफ विच डियर इज नॉट ऑलवेज किल्ड इन फ्यूचर, नॉट इवन दीज 3 क्रीचर्स विल बी किल्ड। ठीक है, बट एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द मोस्ट सूटेबल आंसर। अकॉर्डिंग टू 5th पिलर एडिक्ट किंग अशोका स्पीक्स अबाउट आफ्टर अनॉइंटेड 26 ईयर्स द फॉलोइंग एनिमल्स वर डिक्लेयर्ड बाई मी इनवायलेबल, पैरट्स, मैनास, अरुमना, रूडीगीज। Fish are inviolable and must not be sold on the 3 Chaturmasis and on the Tishya full moon for 3 days and on every fast day. ठीक है,
देखिए डिफरेंस क्या है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा। डिफरेंस ये है कि सेकंड फर्स्ट रॉक एडिक्ट में तो उन्होंने बताया था कि कोई भी एनिमल स्लॉटर नहीं किया जाएगा या सेक्रीफाइस में नहीं दिया जाएगा। तो इसमें दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट और फिफ्थ का। तो उससे पहले क्या होता था, बहुत सारे करते थे, लेकिन उसके बाद सिर्फ तीन क्रीचर्स उसमें मारे जाने लगे, बेसिकली पिकॉक और डियर। धीरे धीरे ये भी खत्म हुआ, लेकिन सेकंड वाले में उन्होंने ये लिखा था कि सॉरी फिफ्थ पिलर एडिक्ट में ये लिखा था कि कोई भी क्रीचर नहीं मारा जाएगा। तो इसलिए जो इन दोनों में से जो बेस्ट सूटेबल होगा वो फिफ्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज टॉलमी फिलाडेल्फस हु हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अशोक वॉज द किंग ऑफ। तो टॉलमी कहाँ के राजा थे? टॉलमी थे इजिप्ट के राजा, जिनके किससे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे? अशोक के साथ। मतलब कि टॉलमी वॉज द कंटेम्प्ररी ऑफ अशोक। थर्टींथ इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन दैट ही हैड अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद फाइव यवन किंग्स। ठीक है, तो थर्टींथ में क्या क्या लिखा हुआ है? थर्टींथ में एक तो लिखा हुआ है कि कलिंगा वॉर जो हुआ था उससे आहत हुए थे ये। उसके अलावा हम देखेंगे कि थर्टींथ में संगम किंगडम के बारे में भी लिखा हुआ है, सेकेंड एंड थर्टींथ में। इसके अलावा थर्टींथ में ये भी लिखा हुआ है कि इनके पांच यवन किंगडम किंग्स के साथ रिलेशन थे, एंटियोकस द रूलर ऑफ सीरिया। ठीक है, सीरिया के साथ थे। उसके बाद तुरमाया और तुरामया, दैट इज टॉलमी फिलाडेल्फस इजिप्ट। देन एंटाकिनी और एनिकिनी और एंटीगोनस गोनाटास जो कि मैसिडोनिया के थे। देन मग द रूलर ऑफ सिरीन एंड अलिक सुंदर और एलेरियो सेंट्रो और एलेक्जेंड्र एपिरस द किंग ऑफ एपिरस। तो ये बताता है जो 13th रॉक एडिक्ट है कि अशोका के इन पांच यवन किंग्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। ठीक है, नेक्स्ट इज तुरमाया अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोका वॉज द रूलर ऑफ। अभी हमने देखा है तुरमाया जो था कहाँ का रूलर था? तुरमाया मतलब कि टॉलमी। ठीक है, ये देखिए तुरमाया और तुरामया और टॉलमी, तो ये एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। टॉलमी जनरली थोड़ा फेमस है, जिसको हम याद रहता है हमें कि टॉलमी इजिप्ट का राजा था, लेकिन तुरमाया भी उसका नाम था, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तुरमाया कहाँ का राजा था? इजिप्ट का था। रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिनेस्टीज हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद डिस्टेंट कंट्रीज लाइक सीरिया एंड इजिप्ट। तो किसका था? मौर्यन का था, अभी हमने पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन रिकॉर्ड्स इज द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व द फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री। तो ये सोहगोरा कॉपर प्लेट से मिला है कि अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर का रिकॉर्ड मिला है कि भाई वहाँ पे लिखा गया था कि कुछ फूड ग्रेन जो है उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए फॉर द क्राइसिस पीरियड। तो अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट नोन एज सोहगोरा इज अ मॉडर्न रिकॉर्ड जो कि ये मेंशन करता है दैट अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व द फूड ग्रेन टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द फेमीन इन द कंट्री। द अदर द महास्थान इंस्क्रिप्शन ऑफ बोगरा। एक्सक्यूज मी, द महास्थान इंस्क्रिप्शन ऑफ बोगरा डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द रिलीफ मेजर्स अडॉप्टेड ड्यूरिंग अ फेमीन इन द रीजन। तो एक तो ये है सोहगोरा कॉपर प्लेट, अगर ऑप्शन में इसके अलावा ये दे दिया जाता है महास्थान इंस्क्रिप्शन ऑफ बोगरा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, महास्थान। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन अशोका एनेक्स द किंग कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर। सही है, कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया। ये भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो अशोका ने कलिंग को एनेक्स किया था, क्यों किया था? बिकॉज जो लैंड और सी रूट्स है साउथ इंडिया के लिए वो कंट्रोल किए जाते थे मेजरली कलिंगा के द्वारा, तो इसलिए ये कॉन्कर किया गया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देती हूँ तो आपको विजिबल होगा।
आंसर विल बी ए. द रीजन्स विच प्रॉम्प्टेड अशोका टू इन्वेड कलिंगा वर बोथ पॉलिटिकल एज वेल एज इकनॉमिकल. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि दोनों पॉलिटिकल और इकनॉमिकल दोनों ही रीजन्स थे. जो टेरिटरी थी कलिंग की वो एक ब्रिज की तरह काम करती थी नॉर्थ और साउथ के बीच में. एंड द पीपल ऑफ कलिंगा दे डोमिनेटेड द इंडियन ओशन एंड द कंट्रोल द ओवरसीज ट्रेड ऑल्सो. तो ओवरसीज ट्रेड भी कंट्रोल किया हुआ था इन्होंने. जो उनकी सुप्रीमेसी थी ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट वर्चुअली क्लोज द सी रूट्स इन द ईस्ट फॉर मगधन मर्चेंट्स. ठीक है, तो उनकी सुप्रीमेसी जो ईस्टर्न कोस्ट पे थी उसने बेसिकली जो सी रूट्स हैं उसको मगधन मर्चेंट्स के लिए एक तरीके से क्लोज किया हुआ था. सिमिलरली द लैंड रूट्स फॉर इंटरनल ट्रेड्स फ्रॉम गैंजेटिक वैली टूवर्ड्स दक्कन ये भी कलिंग के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे. इफ़ कलिंगा वर इंडिपेंडेंट द ओवरसीज एंड लैंड ट्रेड्स ऑफ मगधा वुड बी अफेक्टेड. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर कलिंगा इंडिपेंडेंट होता तो ओवरसीज और जो लैंड ट्रेड है मगध का वो अफेक्ट होता. दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू इन्वेड कलिंगा फॉर मौर्य डायनेस्टी. सो दोनों ही असर्शन और रीज़न जो हैं वो सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मौर्य किंग्स डिड नॉट बेस्टो लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि मौर्य किंग्स ने लैंड ग्रांट्स रिलीजियस बेसिस पे नहीं दिए थे, ये सही है. द पेजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द लैंड ग्रांट्स, दिस इज रॉन्ग. ओके, तो अर्लीस्ट एपिग्राफिक रिकॉर्ड जो है लैंड ग्रांट्स के वो बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन इंडिया इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ सातवाहना. मौर्यन एम्परर्स डिड नॉट ग्रांट एनी लैंड ऑन रिलीजियस बेसिस. ठीक है, तो जब आप सातवाहना पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने ब्राह्मण्स को कुछ लैंड जो थी ग्रांट में दिया था, दान में दिए थे, बट ऐसा कोई भी एविडेंस आपको मौर्यन एम्पायर में नहीं मिल रहा है. साथ ही साथ जो पेजेंट्स थे उनके डिस्क्रिप्शन उनके रिवोल्ट के बारे में भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंगा विक्ट्री इज मैंशनड. कलिंगा विक्ट्री किस इंस्क्रिप्शन में मैंशनड है, तो ये मैंशनड है रॉक एडिक्ट नंबर 13 में. तो ये इनमें से किसी भी इंस्क्रिप्शन में नहीं है. इन द मॉडर्न पीरियड टैक्स इवेजन वॉज पनिश्ड विद. ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने टैक्स इवेड किया है, आप टैक्स नहीं भरते हो, तो अच्छी बात है आप इस पीरियड में हो जब नहीं भर रहे हो, क्योंकि अगर मॉडर्न पीरियड में होते तो क्या मिलता, डेथ. द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र टाउन इज डिस्क्राइब्ड इन मेगास्थनीज इंडिका. अकॉर्डिंग टू दिस बुक पाटलिपुत्र वॉज गवर्न बाय 30 मेंबर म्यूनिसिपल काउंसिल. तो 30 मेंबर रख रखे थे उन्होंने म्यूनिसिपल काउंसिल में. एंड इट वॉज डिवाइडेड इंटू 6 मेन कमिटीज विच हैड 5 मेंबर्स ईच. और इसमें 6 कमिटीज थी जिसमें पाँच, हर एक कमिटी में 5 मेंबर थे. तो 6 कमिटी इंटू 5 मेंबर्स इज इक्वल टू 30 मेंबर्स. द सिक्स्थ बोर्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स. ये जो बोर्ड था दिस मेड श्योर दैट एवरी सिटीजन मस्ट पे 1/10 ऑफ देयर अर्निंग. तो कितना टैक्स था, 1/10 ऑफ देयर अर्निंग एज सेल्स टैक्स टू द गवर्नमेंट. और जो नहीं देता था उसको डेथ सेंटेंस दिया जाता था. ठीक है, द फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस केम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्परर. तो मेगास्थनीस किसके कोर्ट में आया था, ये हम पहले भी देख चुके हैं. तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे. मेगास्थनीस वॉज अ ग्रीक हिस्टोरियन हु केम टू इंडिया इन द 4th century BC एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर. देन वो उनके कोर्ट में रहे चंद्रगुप्त मौर्य की. ही हैड रिटन कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड ऑल्सो अबाउट चंद्रगुप्त रेन इन हिज बुक कॉल्ड इंडिका. तो उन्होंने इंडिका में चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, बहुत सारे एविडेंसेस आपको मिलेंगे. तो ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी मेगास्थनीस ने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीस वॉज द एम्बेसडर ऑफ. तो अभी हमने देखा ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर. सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, ये ग्रीक हिस्टोरियन थे जो इंडिया आए थे 4th century BC में. किसके रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे, सेल्यूकस निकेटर के. ड्यूरिंग हुज रूल डिड मेगास्थनीस कम टू इंडिया, अगेन चंद्रगुप्त मौर्य. इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीस डिवाइड द इंडियन सोसाइटी. ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी को मेगास्थनीस ने अपनी बुक इंडिका में कितने
कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो उन्होंने डिवाइड किया था 7 कैटेगरीज में। इसके पहले हमने पढ़ा था कि चाणक्य ने जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उसको उसके लिए क्या दिया, तो उसके लिए उन्होंने सप्तांग थ्योरी दी थी। ठीक है, सप्तांग थ्योरी एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, मैं देखती हूँ मुझे भी याद है कि नहीं। किंग, मिनिस्टर, देन योर टेरिटरी, देन फोर्ट, देन ट्रेजरी एंड देन अलाइज, नहीं कुछ एक मिस हो रहा है यहाँ पर, आर्मी, सॉरी, टेरिटरी, देन आर्मी एंड देन अलाइज। ठीक है, तो दीज वर द 7 सप्तांग, 7 अंग थे जो एक राजा के होने चाहिए थे। एनीवेज यहाँ पे देखते हैं कि मेगास्थनीज ने कौन से 7 उसमें डिवाइड किया था इंडियन सोसाइटी को। ही डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इंटू फिलोसोफर, फार्मर, हर्ड्समैन, आर्टिसंस, मिलिट्री मतलब सोल्जर, ओवरसीयर्स ऑफ स्पाइस एंड असेसर्स। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में स्लेवरी को कहीं मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो या तो एग्जिस्ट नहीं करती थी या उनको समझ नहीं आई थी कि ये स्लेवरी है। अकॉर्डिंग टू हिम नो वन कुड मैरी आउटसाइड हिज कास्ट। तो उन्होंने ये भी लिखा है कि अपनी कास्ट के बाहर जाके कोई शादी नहीं कर सकता, एंड नो वन कुड टेक एन ऑक्यूपेशन फ्रॉम द वन फिक्स्ड फॉर हिज कास्ट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड सिस्टम। तो एक तो अपनी कास्ट के आगे जाके कोई काम नहीं कर सक शादी नहीं कर सकता है, दूसरा ये कि जो कास्ट का जो एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन होता है उसके अलावा कोई ऑक्यूपेशन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो थोड़ी सी रिजिडिटी उसमें दिखाई गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज स्टेट्स दैट देयर वॉज नो स्लेवरी इन इंडिया। तो ये मेगास्थनीज के इंडिका से पता चलता है। द डिवीजन ऑफ मॉरियन सोसाइटी इन टू 7 क्लासेज इज पर्टिकुलरली मैंशनड इन इंडिका। डिवीजन ऑफ मॉरियन इन 7 पर्टिकुलरली मैंशनड, देखिए सेम क्वेश्चन आया है एग्जैक्टली। ठीक है, ये किस में मैंशनड है, द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन। पाटलिपुत्र के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो किस में है, तो वो है आपका इंडिका में। ठीक है, मेगास्थनीज मेंशन 6 कम्युनिटीज ऑफ 5 मेंबर्स ईच टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। ही रेफर टू द टाउन ऑफिशियल्स एज अस्ट्योनी, सॉरी अस्टनोमी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगध किंगडम। पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय रिवर गैंजेस इन द ईस्ट एंड बाय द रिवर चंपा इन द नॉर्थ। तो देखिए हमने पढ़ा था इनिशियली कि उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र को सोन और गंगा के कॉन्फ्लुएंस पे। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय रिवर गैंजेस इन द नॉर्थ एंड बाय सोन इन द वेस्ट। हाँ ये ठीक है। पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय विंध्यन माउंटेन इन द साउथ एंड बाय रिवर गैंजेस इन द ईस्ट। विंध्यन माउंटेन कहाँ पर है, दे आर नॉट इन बिहार। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा विंध्यन माउंटेन कहाँ पर है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय विंध्य माउंटेन इन द साउथ एंड बाय रिवर चंपा इन द वेस्ट। ठीक, नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य। तो ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेगास्थनीज इंडिका में लिखा हुआ है। वॉट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक, दैट इज इंडिका। इंडिका वॉज ओरिजिनली रिटन बाय मेगास्थनीज। एक एक क्वेश्चन देखिए आप कितनी बार, एक ही डेटा से कम 10 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका, मेगास्थनीज। अगेन हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका, मेगास्थनीज। सेम ईयर में 2 स्टेट्स में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन वॉज द फेमस पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता's कोर्ट। ही कंपोज द एपिक देवी चंद्र गुप्तम। ही वॉज द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं इनमें से आपको करेक्ट बताना है। तो पहला ठीक है, हरिसेन जो थे वो कोर्ट फेमस पोइट थे समुद्रगुप्त के कोर्ट के, या कोर्ट पोइट भी थे हरिसेन। देवी चंद्र गुप्तम उन्होंने नहीं लिखी है, देवी चंद्र गुप्तम लिखी है विशाख देव ने या विशाख दत्त ने। प्रयाग प्रशस्ति के राइटर जो हैं वो हरिसेन हैं। ठीक है, तो इसलिए 1 एंड 3 वुड बी करेक्ट।
एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका. हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्त. हिज फेमस पोएम डिस्क्राइब्स द ब्रेवरी ऑफ समुद्रगुप्त एंड इज इंस्क्राइब्ड ऑन अलाहाबाद पिलर, दैट इज प्रयाग प्रशस्ति. देवी चंद्रगुप्तम इज एन इंडियन संस्कृत लैंग्वेज पॉलिटिकल ड्रामा एट्रीब्यूटेड टू विशाख देव, हु इज जनरली नोन एज विशाख दत्त. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मौर्य किंग्स? दे डेवलप्ड कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, किया था. गोल्ड कॉइन्स, प्रोविंशियल डिवीजन, किंगशिप टू हिंदू कुश, ठीक है. तो गोल्ड कॉइन्स नहीं किया था, बाकी इन्होंने आर्ट, प्रोविंशियल डिवीजन और किंगशिप टू हिंदू कुश का डेवलपमेंट किया था. मौर्यन एम्पायर्स प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर. चंद्रगुप्ता's एम्पायर स्प्रेड ओवर फ्रॉम ईरान इन नॉर्थ वेस्ट टू प्रेजेंट नॉर्थ कर्नाटका इन द साउथ. अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन स्मिथ, हिंदू कुश माउंटेन्स वॉज द स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर ऑफ इंडिया. पांच प्रोविंसेस डिस्क्राइब्ड हैं इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, दैट इज उत्तरपथ, अवंतीरथ, कलिंगा, दक्षिणपथ एंड प्राच्यपथ, ठीक है. तो नॉर्थ का हो गया, अवंती वाला मालवा वाला रीजन हो गया आपका वेस्ट, देन कलिंगा इज ईस्ट, दक्षिण इज साउथ एंड प्राच्यपथ में भी सेंटर, प्राच्यपथ. रेगुलराइजेशन ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, ये किसको क्रेडिट जाएगा? ये जाएगा इंडो ग्रीक किंग्स को, ठीक है. नेक्स्ट इज अमंग द मॉडर्न आइडल्स, द आइडल इंस्क्राइब्ड विद द नेम ऑफ मणिभद्र और यक्ष वॉज फाउंड फ्रॉम विच प्लेस? तो मॉडर्न एम्पायर से, मॉडर्न आइडल से जो एक मणिभद्र या यक्ष जो नाम निकला है वो किससे इंस्पायर्ड है? वो है परखम. अब ये परखम कौन है? एमंग द मॉरियन आइडल्स द आइडल इंस्क्राइब्ड विद द नेम मणिभद्र और यक्ष, ये मिला है परखम से. ओके, परखम इज द नेम ऑफ अ प्लेस विच इज प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ मथुरा. स्टैच्यू विच इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट ऑफ द आर्ट ऑफ मथुरा इज नाउ विजिबल इन द मथुरा म्यूजियम. इट इज एसोसिएटेड विद यक्ष डेटी ऑफ मणिभद्र, ओके, हु इज पॉपुलर डीटी इन एंशियंट टाइम्स, ठीक है. तो एक यक्ष डीटी थे मणिभद्र, उनके ये आइडल है जो कि मॉडर्न टाइम की, और कहाँ मिली है? परखम, मथुरा में. भाग एंड बलि ये क्या थे? तो भाग और बलि जो थे वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे, देवर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, ठीक है. अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र विच इज रिटन बाय चाणक्य, किंग वॉज द ओनर ऑफ द लैंड, ही हैड अ शेयर इन द प्रोड्यूस. जो भी लैंड प्रोड्यूस कर रही है उसमें से राजा का एक शेयर हुआ करता था, एंड दिस टैक्स वॉज नोन एज भाग, ठीक है. वेयर एज बलि वॉज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू. लैंड रेवेन्यू विच वॉज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वॉज कलेक्टेड बाय विच ऑफिसर. तो ये पूछ रहे हैं कि लैंड रेवेन्यू जो था, जो चीफ सोर्स ऑफ इनकम था ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, उसको कलेक्ट करने वाले ऑफिसर का क्या नाम था? तो उसको कलेक्ट करने वाले ऑफिसर का नाम था सीताध्यक्ष. सीताध्यक्ष वॉज द हेड ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन द मौर्यन एम्पायर, एंड ही हैज ऑल्सो डेल्ट विद द लैंड रेवेन्यू लिवेशन, वाइल एग्रोनोमोई वर नोन एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. शुल्काध्यक्ष जो थे वो अलग अलग ट्रेड एंड सर्विसेज के लिए कलेक्ट करते थे टैक्स को, और अकाराध्यक्ष जो थे वो माइंस को कंट्रोल करते थे, ठीक है. तो अकारा जो थे वो माइंस को करते थे, शुल्काध्यक्ष जो थे वो बाकी ट्रेड सर्विसेज टैक्स कलेक्ट करते थे, एग्रोनोमी जो थे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, और सीता अध्यक्ष जो हैं वो बेसिकली आपका लैंड रेवेन्यू वाला जो टैक्स होता था वो कलेक्ट करते थे. नेक्स्ट इज द ऑफिशियल एग्रोनोमी ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड और मॉडर्न एज वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ठीक है. तो अभी हमने देखा वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, तो वो रोड कंस्ट्रक्शन और रेवेन्यू मैनेजमेंट दोनों से एसोसिएटेड थे. ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम्स एग्रोनोमो ही यूज्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू, मॉनिटर द इरिगेशन फैसिलिटीज, परफॉर्म लीगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लुक आफ्टर द रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है. तो क्या क्या करते थे? इरिगेशन फैसिलिटीज देते देखते थे, रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते थे, और रोड कंस्ट्रक्शन भी ये देखते थे.
सीता इन द मॉडर्न पीरियड मीन्स, सीता का मतलब क्या था? वॉज इट अ गॉडेस, अ रिलीजियस सेक्ट, रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड और बैरन लैंड? तो ये रेवेन्यू फ्रॉम द क्राउन लैंड को सीता बोला गया था, इसीलिए उसके जो अध्यक्ष या उसका जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसको सीता अध्यक्ष बोलते थे। द मेंटेनेंस ऑफ क्राउन लैंड वॉज डन बाय सीता अध्यक्ष इन द मॉडर्न पीरियड, कलेक्टेड थ्रू दिस टैक्स विच वॉज नोन एज सीता। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन मॉडर्न मंत्री परिषद? तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए थे समहर्ता, ठीक है, समहर्ता। अंतपाल जो थे वो बॉर्डर फोर्ट्स को देखते थे, जबकि प्रदेष्ट जो थे वो कमिश्नर्स के एडमिनिस्ट्रेटर थे, कमिश्नर्स के, ठीक। प्रदेष्ट मतलब प्रदेश में श्रेष्ठ, तो प्रदेष्ट, तो वो क्या करते थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते थे कमिश्नर्स के वो प्रदेष्ट होते थे, और समहर्ता जो थे वो कलेक्शन देखते थे, रेवेन्यू कलेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉरियन ऑफिसर्स वॉज इन चार्ज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स? तो वेट्स एंड मेजर्स के इंचार्ज कौन थे? पोटवाध्यक्ष, पोटवाध्यक्ष वॉज द इन चार्ज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। मॉरियन ऑफिसर पोटवाध्यक्ष वॉज इन चार्ज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वाइल पांड्या अध्यक्ष ये कॉमर्स डिपार्टमेंट देखते थे। सीता अध्यक्ष अभी हमने देखा एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, क्योंकि लैंड को सीता बोला जाता था। एंड सुनाध्यक्ष ये थे स्लॉटर हाउस के चीफ, ठीक है। नेक्स्ट इज पान, कैसे कैसे नाम होते हैं ये, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट इवन। पान कोड़क अस अनिरुद्ध, ओके, देखिए बेयर कर लीजिएगा, पान कोड़क अस अनिरुद्ध, आई डो नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट इन द सेम गो इन वन गो। तो ये एक तरीके की पेनल्टी थी, पान कोड़कस अनिरुद्ध, इट वॉज अ काइंड ऑफ पेनल्टी इन द मॉरन एडमिनिस्ट्रेशन। किसके लिए ये चार्ज की जाती थी? तो ये चार्ज की जाती थी स्लशिंग द रोड के लिए, ओके। वॉज इम्पोज फॉर थ्रोइंग डर्ट और कॉजिंग सिटुएशन एंड वाटर लॉगिंग टू कलेक्ट ऑन द रोड्स। तो भाई अगर आप स्लशिंग कर रहे हो रोड पे, तो उसके लिए पेनल्टी दी जाती थी। अगर आज के टाइम पे पेनल्टी होती, तो इमेजिन करिए हर इंसान हर 5 मिनट पे पेनल्टी दे रहा होता, है ना। तो ये जो है पान को सनिरुद्ध, ये पेनल्टी थी मौर्यन एम्पायर में। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वॉज तक्षशिला, तक्षशिला वॉज द मोस्ट फेमस सेंटर फॉर लर्निंग। एट प्रेजेंट वैशाली इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इट वॉज रिलेटेड टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन एंशियंट टाइम। इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन 6th सेंचुरी BC बिफोर द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी वॉज बोर्न हियर। नालंदा इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, फर्स्टली बुद्ध टेम्पल्स वर इस्टेब्लिश्ड हियर इन द गुप्ता पीरियड। देन द एक्सकेवेशन ऑफ नालंदा प्रूव्स दैट द यूनिवर्सिटी विच वॉज सिटुएटेड हियर स्प्रेड 1 माइल इन द लेंथ एंड हाफ माइल्स इन द ब्रेथ। तक्षशिला वॉज द मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट हु केम हियर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू गेट एडुकेशन। इट वॉज सिटुएटेड फ्यू माइल्स वेस्ट ऑफ प्रेजेंट इस्लामाबाद एंड वॉज मोस्ट फेमस ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। उज्जैन वॉज द कन्वेंशनल कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये चारों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, द फॉलोइंग कोर्ट्स एग्जिस्टेड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मॉडर्न एज, ठीक है। इनमें से कौन कौन से कोर्ट्स एग्जिस्ट करते थे जुडिशियल सिस्टम के लिए? तो वो थे धर्मष्ठिया एंड कंटक शोधन। तो दो तरीके के कोर्ट्स मेंशन है, धर्मष्ठिया जो कि एनालॉगस था मॉडर्न सिविल कोर्ट्स, अभी जो सिविल कोर्ट्स हैं वो उस टाइम पे धर्मष्ठिया होते थे, और अभी जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो कंटक शोधन बोले जाते थे। द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गवर्न बाय म्यूनिसिपैलिटीज ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, जिनके चीफ को नगरक या पुरमुख्य बोलते थे। मेगास्थनीस ने 6 कमिटीज के बारे में मेंशन किया, जो हमने पहले भी पढ़ी, विद 5 मेंबर्स ईच। कमिटी मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स आल्सो। एंड ये जो जॉब था वो अभी भी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। अभी जो आप बर्थ और डेथ एडमिनिस्ट्रेशन अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं या डेथ सर्टिफिकेट जो बनता है वो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से ही बनता है। तो अगर इसका रूट्स देखेंगे हम, तो इसकी रूट्स कहाँ से हैं? मौर्यन एम्पायर से हैं। वहाँ पर भी ये होता था उस टाइम पे म्यूनसिपल कमिटीज़ के द्वारा।
ठीक है. नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्टोरीज एंड एपिक टेल्स वॉज द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो ये जो क्रॉनिकल्स मेमोराइज करना, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज के बारे में बात करना, एपिक टेल्स वगैरह, ये किसका काम था? ये मागध का काम था. ओके, मागध. ठीक है, इट वॉज अ प्रोफेशन ऑफ मागध. द सिस्टम गवर्निंग विलेजेस थ्रू ऑटोनोमस इलेक्टेड पंचायत वॉज इवॉल्व बाय, तो ये द्रविड़ ने इवॉल्व किया था. द सिस्टम गवर्निंग विलेजेस थ्रू ऑटोनोमस इलेक्टेड पंचायत, ये द्रविड़ का काम था. द सिस्टम टू गवर्न द विलेजेस थ्रू ऑटोनोमस इलेक्टेड पंचायत वॉज इवॉल्व बाय द्रविड़, दैट इज द चोलास. दिस सिस्टम वॉज बेस ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दैट टाइम. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे क्या पता चल रहा है आपको कि द थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट जो अभी है वो उस टाइम पे चोला गवर्नमेंट में थी. ठीक है, तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विलेजेस थ्रू ऑटोनोमस इलेक्टेड पंचायत, तो उस टाइम पे ऑटोनोमस इलेक्शन होता था पंचायत का, ये किस में पीरियड में आया था? ये चोल पीरियड में आया. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू अ वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड, तो ये अर्थशास्त्र में दिया हुआ है. अर्थशास्त्र अलाउ करता है डाइवोर्स को टू अ वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड. डाइवोर्स जो था वो प्रिविलेंट था मॉडर्न पीरियड में, वाइफ को पूरा अधिकार था अपने पति को डाइवोर्स देने का ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग अब्रॉड, अगर वो ज़्यादा बाहर रह रहा है, स्टे ऑफ कर रहा है, हर हस्बैंड एंड बींग फिजिकली हैंडीकैप्ड, या फिर उसका हस्बैंड फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया है, तो इन दोनों केसेस में उसको पूरा अधिकार है, वो डाइवोर्स ले सकती थी. सिमिलरली हस्बैंड हैड ऑल्सो द राइट टू लीव हिज वाइफ फॉर बींग बैरन और एडल्ट्रेस, तो साथ ही साथ हस्बैंड्स को भी अधिकार था कि वो अपने वाइफ को छोड़ सकते हैं अगर उनकी वाइफ बैरन है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ चाइल्ड और गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो या फिर उन्होंने एडल्ट्री की है, तो इन दोनों केस में हस्बैंड्स भी अपने वाइफ को छोड़ सकते थे. ठीक है, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स री मैरिज, री मैरिज को किसने प्रोहिबिट किया इनमें से, तो ये मनुस्मृति ने किया. अर्थशास्त्र में तो हमने देख लिया कि वहाँ पे डाइवोर्स का ऑप्शन था, बट री मैरिज को मनुस्मृति ने प्रोहिबिट किया है. इट इज़ मैंशनड इन 38th पार्ट ऑफ मनुस्मृति दैट अ विडोअर कुड री मैरी बट अ विडो हैड नो राइट टू सीक री मैरिज. ठीक है, तो विडोअर मतलब मैन तो मैरी कर सकते हैं, दे कैन री मैरी, बट अ विमेन कैन नॉट री मैरी. द सोशल स्टेटस असाइन टू द फॉरनर्स इन इंडियन सोसाइटी बाय मनु वॉज ऑफ, सोशल स्टेटस असाइन टू द फॉरनर्स इन इंडियन सोसाइटी. ठीक है, तो क्या सोशल स्टेटस दिया था? फॉलन क्षत्रिय का. फॉरन इन्वेडर्स हु डिड नॉट फॉलो प्रीस्टली कस्टम्स और ट्रेडिशन, दैट इज शाक्य, कुषाण होना, प्रतिहार, इनको फॉलन क्षत्रिय लिखा हुआ है मनुस्मृति के अंदर. द फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर, कौन कौन इनमें से इंडिया आए थे, तो इनकी क्रोनोलॉजी बताना है आपको. ठीक है, तो सबसे पहले मेगास्थनीज आए चंद्रगुप्त के टाइम पे, देन फायान आए, ठीक है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे, उसके बाद ह्यूएनसांग आए हर्षवर्धन के टाइम पे, और लास्ट में इत्सिंग आए 7th सेंचुरी के आसपास. ठीक है, तो सबसे पहले मेगास्थनीज आते हैं, फिर फायान आते हैं विक्रमादित्य के टाइम पे, देन ह्यूएनसांग इन द रेन ऑफ हर्षा, एंड देन इत्सिंग. विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच ट्रैवलर्स, और उनका टाइम पीरियड पूछा है उन्होंने, तो इसमें शायद आंसर कुछ दिया नहीं गया था, क्योंकि ये बोल रहे हैं इत्सिंग जो आए थे वो 671 से 695 तक आए थे. अल मसूदी विजिटेड इन 915 to 16. फाहियान ट्रेवल्ड इंडिया ओनली फॉर 10 ईयर्स, दैट इज़ 402 से 412 तक. ठीक है, देन ह्यूएनसांग जो थे वो आए थे 679 से 695 तक, तो इसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सारे ही गलत हैं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया था. अगेन मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य. ठीक है, तो इनके दूसरे जो नाम हैं वो बताने हैं. तो अभी हमने देखा कि भाई चंद्रगुप्त को क्या बोला जाता था, सैंड्रोकोटस बोला जाता था, देन अशोका को पियदस्सी बोला जाता था, ये दो तो आपको याद हो गए, और चाणक्य को अशोक था, बाकी बचे बिंदुसार, तो उनको बोला गया था अमित्र घात. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं. आंसर इज सी,
दैट इज A2 चंद्रगुप्त इज सेंड्रोकोटस, ओके. देन B इज 3 बिंदुसार इज अमित्रगात, C इज 1 एंड D इज 4. ठीक है, 2 3 1 4. जस्टिन एंड अदर ग्रीक ऑथर्स स्टेटेड चंद्रगुप्त मौर्य एज सेंड्रोकोटस. ग्रीक ऑथर्स मेंशन बिंदुसार एज अमित्रकेट्स और अमित्रघात, जबकि अशोक को मेंशन किया गया है एज पियदस्सी. विष्णुगुप्त इज द अनदर नेम फॉर चाणक्य, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त. द लास्ट मौर्यन एम्परर वॉज, तो लास्ट मौर्यन एम्परर कौन थे? बृहद्रथ. ठीक है, बृहद्रथ वॉज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर लेफ्टिनेंट पुष्यमित्र शुंग इन 184 BC. पुष्यमित्र शुंग ने एक नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश की इसके बाद, जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी. ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मौर्यन डायनेस्टी वॉज प्रिसीडेड एंड उसके बाद सक्सेसर कौन रहा उनका, तो प्रेडेसर तो थे उनके नंद, फिर सक्सेसर थे उनके शुंग, बीच में कौन थे? मौर्यन्स. द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट मौर्यन मौर्यन रूलर बृहद्रथ वॉज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग. ठीक है, द लास्ट शुंग किंग देवभूति वॉज असैसिनेटेड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर वसुदेव कर्ण हु असर्व द थ्रोन. सही है, तो यहाँ से कौन सी आ जाएगी? कर्ण डायनेस्टी आ जाएगी. देन लास्ट रूलर ऑफ कर्ण डायनेस्टी वॉज डिपोज बाय आंध्राज, मतलब कि सातवाहनाज. तो ये तीनों आ जाएंगे उसके बाद. कौन कौन से आए? शुंग, कर्ण और सातवाहनाज. एम्बिशियस पुष्यमित्र शुंग असैसिनेटेड द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ एंड बिकेम फेमस इन द हिस्ट्री फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शुंग डायनेस्टी. द लास्ट किंग ऑफ शुंग डायनेस्टी वॉज देवभूति हु वॉज किल्ड बाय अ कॉन्स्पिरेसी बाय हिज अमात्य वसुदेव. अकॉर्डिंग टू वायु पुराण द लास्ट रूलर ऑफ कर्ण दशुशर्मा वॉज डिपोज बाय हिज आंध्रियन सर्वेंट सिमुक. ठीक है, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स पेड अटेंशन टू द रिसोर्स मैनेजमेंट इन गिरनार रीजन सम सेंचुरीज बिफोर द क्रिश्चियन एरा. तो कौन थे इसमें से? अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य. महापद्मनंद ने ऐसा कुछ नहीं किया था, रुद्रदामन ने भी. हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स पेड अटेंशन टू द रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके, रिसोर्स मैनेजमेंट में भी रुद्रदामन ने कोई हेल्प नहीं किया था. ठीक है, देख लेते हैं एक बार. फ्यू सेंचुरीज बिफोर द क्रिश्चियन एरा द मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका फोकस्ड ऑन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन गिरनार रीजन. चंद्रगुप्त मौर्य ने एक डैम भी बनवाया था ऑन द सुदर्शन लेक एंड द एम्परर अशोक टुक आउट द केनाल्स फ्रॉम द लेक. ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक डैम बनवाया था और बाद में अशोक ने वहाँ से केनाल्स भी निकलवा दिए थे. द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ शक रूलर रुद्रदामन डिस्क्राइब्स द वर्क्स ऑफ बोथ द एम्परर्स. सेकेंड सेंचुरी AD द लेक वॉज रिपेयर्ड. ठीक है, अब सेकेंड सेंचुरी AD में इस लेक को रिपेयर करवाया गया था रुद्रदामन के द्वारा. इस क्वेश्चन के हिसाब से ही डिड दिस वर्क आफ्टर द क्रिश्चियन एरा. अब क्वेश्चन में आफ्टर द क्रिश्चियन बिफोर द क्रिश्चियन एरा पूछा है, इसलिए अशोक और चंद्रगुप्त का नाम है. रुद्रदामन का नाम होता अगर आफ्टर द क्रिश्चियन एरा पूछा जाता तो, या नॉर्मली पूछ लिया जाता तो. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही डिड द वर्क आफ्टर द क्रिश्चियन एरा, दस ही इज नॉट इंक्लूडेड इन द आंसर. सो देयरफॉर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका. ठीक है, नेक्स्ट इज रियलाइजिंग द नीड फॉर वाटर द फर्स्ट रूलर हु गॉट अ लेक कंस्ट्रक्टेड इन गिरनार एरिया वॉज चंद्रगुप्त मौर्य. अशोका ने उसमें से कैनाल्स निकलवाए, रुद्रदामन ने उसको दोबारा से रिनोवेट कराया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मैंशन चंद्रगुप्त एंड अशोका बोथ, तो दोनों ही किस में मैंशन है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, महाक्षत्रप रुद्रदामन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोकाज एडिक्ट आर फाउंड, तो ये आपको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ही मिल रही हैं. अशोकाज एडिक्ट आर ऑल्सो फाउंड ऑन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाक्षत्रप रुद्रदामन. इट इंक्लूड्स द एडिक्ट्स ऑफ गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त ऑल्सो. ठीक है, तो एक तो अशोका की हो गई, इसके अलावा स्कंदगुप्त की एडिक्ट्स भी मिली हैं. देर वॉज एन इंस्क्रिप्शन विथ 14 एडिक्ट्स ऑफ अशोका ऑन अ लार्जर बोल्डर विथ इन 2 किलोमीटर ऑफ उपरकोट फोर्ट. द एडिक्ट्स ऑल्सो नरेट द स्टोरी ऑफ सुदर्शन लेक विच वॉज रिपेयर्ड बाय रुद्रदामन. तो ये जो अशोका की एडिक्ट है, इसी में ये स्टोरी भी बताई गई है कि रुद्रदामन ने इसको रिनोवेट कराया था या फिर रिपेयर कराया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. ओके, अब देखिए इसमें से कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं. लोथल में एंशियंट डॉकयार्ड मिला है, बिल्कुल मिला है.
सारनाथ में फर्स्ट सर्मन दिया था बुद्ध जी ने, बिल्कुल दिया था। राजक्रीट वॉज द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, नहीं कौन सा था, सारनाथ। ठीक है, नालंदा वॉज अ ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ट्रू इट वॉज अ ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो 1, 2 एंड 4, सी सी वुड बी द आंसर। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है मौर्यन एम्पायर का सेकेंड पार्ट भी। दिस वॉज अ बिग चैप्टर, तो ये दो पार्ट में हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो हम कंप्लीट करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे। हमने देखा कि मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर बृहद्रथ को मार के जो गद्दी पे बैठते हैं वो हैं पुष्यमित्र शुंग, और यहाँ से जो शुरू होगी वो होगी शुंग डायनेस्टी। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जितने भी इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे हैं वो इसमें आएंगे या उनका एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। देख लेते हैं एक बार इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। ओके, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 64, तो ये मोस्ट प्रोबेबली हम एक ही वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम इसके एक ही वीडियो में कवर करेंगे, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जो कि नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा इसके बाद। तो आप रिवाइज करते रहिएगा, इसमें जो फैक्ट्स हैं उनको कंटिन्यूअसली रिवीजन में रखिएगा। कीप स्टडिंग।